हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका भी किसी बैंक में अकाउंट खुला हुआ है और आपके अकाउंट में आधार NPCI लिंक नहीं, और आप अपने अकाउंट में आधार NPCI लिंक करना चाहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी स्कीम चलाई जाती हैं सभी स्कीम का पैसा अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं DBT के माध्यम से, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कैसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से अपने घर बैठे मात्र 2 मिनट के अंदर अपने अकाउंट में आधार NPCI को लिंक कर सकते हैं और गवर्नमेंट के सभी स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तो क्या इसका प्रोसेस है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने अकाउंट में आधार NPCI को लिंक करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो अगर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं तो कोई सा एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर जैसे ही ओपन करिएगा तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है पहले से वीडियो देखे हुए होंगे, लेकिन अभी हम इसमें आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाले हैं। वीडियो अगर इसको देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कोई सा एक ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना है NPCI, ठीक है, आपको इतना लिखना है, लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पहला जो लिंक देखने को मिलता है NPCI.org, बस आपको इसी वाले लिंक पर ही क्लिक कर देना है। अब जैसे इस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे NPCI पोर्टल पर आप लॉगिन हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके का ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलता है कंज्यूमर का एक ऑप्शन, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे कंज्यूमर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिएगा एक प्लस का ऑप्शन बना हुआ है कंज्यूमर के आगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ आपको देखो भारत आधार सीडिंग इनेबलर, आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। पहले तो यहाँ आपको दिखा देते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग जो दिखा हुआ है, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है बहुत सारा ऑप्शन, ठीक है, एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग, चेक योर सर्विस स्टेटस, गेट आधार मैप स्टेटस, गेट आधार मैपिंग हिस्ट्री, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आधार रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग, तो आपको इसी पे सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ आपको अपने आधार नंबर को टाइप करना है, जो आपका आधार नंबर, आधार नंबर को टाइप करना है। यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर आधार, यहाँ पे सीडिंग या डी सीडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आप डी सीडिंग करना चाहते हैं तो आपको डी सीडिंग पर सिलेक्ट करना है, अगर आप सीडिंग करना चाहते हैं आपको सीडिंग को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ आपको देखना है सिलेक्ट बैंक योर नेम, आपको इस पर आपको क्लिक करके यहाँ आपको बैंक नेम को सिलेक्ट करना है। अगर बैंक नेम नहीं आ रहा है तो आपको टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ अकाउंट नंबर को टाइप करना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर को टाइप करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, बाइक क्लिकिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है। पहले आपको डिटेल फॉर्म फिल करके आपको दिखाते हैं, बैंक को सिलेक्ट करिएगा। बैंक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें तो सीडिंग टाइप फ्रेश सीडिंग है, अगर आप अभी तक कभी सीडिंग नहीं हुआ है तो फ्रेश सीडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मूवमेंट करना चाहते हैं विथ इन द सेम बैंक विथ अनदर बैंक तो आपको इस पर सिलेक्ट कर देना है। अगर मूवमेंट करना चाहते हैं फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक तो आपको इसको सिलेक्ट कर देना। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मूवमेंट करने वाले हैं फ्रॉम द वन बैंक टू अदर बैंक में, ठीक है। तो यहाँ आपको अपने अकाउंट नंबर को टाइप करना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर को टाइप करना है। नीचे आपको आना है, चेकबॉक्स दिए हुए दोनों चेकबॉक्स को क्लिक करना है। नीचे आपको कैप्चा कोड को फिल करना है, प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे अकाउंट नंबर को हम टाइप कर चुके हैं, चेकबॉक्स हम क्लिक कर देते हैं। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, दोनों चेकबॉक्स आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको देखने को मिलता है कैप्चा कोड, आपको कैप्चा कोड भी फिल कर देना। चलिए फटाफट हम यहाँ पे कैप्चा कोड को फिर फिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट टाइम दिए रहता है तो आपको लिमिट टाइम को ध्यान में रखते हुए काम करना है, नहीं तो आपको फिर से लिमिट क्रॉस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ आप देख सकते हैं डिटेल को फिल कर लिया, प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिए। प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखने को मिलता है, इसको आपको सही तरीके से रीड करना चाहते हैं रीड कर लीजिएगा, नहीं तो एग्री एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर देना। चलिए फिर से एग्री एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP को सेंड किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपके इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए OTP जो आया हुआ है OTP हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं OTP आपके सामने आया हुआ है, OTP को भी हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है और आपको सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, सेशन एक्सपायर आपको 4 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार नंबर ऑलरेडी मैप टू कोटक महिंद्रा बैंक, ओके इंटीड आधार मूवमेंट टू इंडियन बैंक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओके वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। पहले से ये कोटक महिंद्रा बैंक में लिंक है तो आपको इसको करके यहाँ से अभी देखते हैं, करेंटली योर बैंक सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज ट्राई अगेन सम
आफ्टर सम टाइम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको करना है। अभी अलर्ट जारी हो रहा है क्योंकि मेरे बैंक का सर्वर जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो अभी थोड़ी देर बाद हम फिर से ट्राई करेंगे, मेरा 100% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने अकाउंट को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।